सभी कार्रवाइयां हम पूर्ण करें। यूपी के जो मुख्य विपक्षी दल है वो कह रहे हैं कि खास जातियों को टारगेट किया जा रहा है, बार बार वो बोल रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रहे हैं, एक्स पे बोल रहे हैं, कह रहे हैं खास जातियों को छोड़ दिया जा रहा है, ये जो राजनीतिक चीजों का कोई संबंध में जवाब नहीं है। मैं जहाँ तक आरोप की बात है इसका मैं पूर्णतः खंडन करता हूँ, मैंने पहले भी खंडन किया है। किसी भी व्यक्ति अपराधी के जाति और धर्म देख के कोई कार्रवाई नहीं होती, और आज से नहीं, ये हमारी भी लगभग 32 साल की सर्विस है, पुलिस एक्शंस हमेशा से होते रहे हैं। और जिस जहाँ भी गलती पाई जाती है, अगर किसी के द्वारा किसी व्यक्तिगत रंजिश में या पर्सनल लाभ के लिए अगर कोई गलत कार्रवाई की जाती है तो उसके लिए इतने चेक्स एंड बैलेंसेज हैं या आपकी नज़र इतनी पैनी है कि उससे कोई बच नहीं सकता। भ्रामक आंकड़े आपने बराबर सुने होंगे कि साहब उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा महिलाओं पर अपराध है, लोग संख्यात्मक चर्चा करते हैं, जबकि जब हमारा सबसे बड़ा पॉपुलेशन बेस है तो संख्यात्मक की क्या बात है, अपराध दर से चीज़ें तय होती हैं, और जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े हैं आप उसके हिसाब से देखिए। आज के दिन में महिलाओं के संबंधित अपराध में सजा का प्रतिशत उत्तर प्रदेश का हाईएस्ट है। ये समय समय पे हम आपको देते रहे हैं, कोई ऐसी चीज़ें ना तो नक्शे या आंकड़े इस आधार पे एकत्रित किए जाते हैं जिससे कि आप किसी की जाति इत्यादि का पता कर लें, तो ये सर्वथा गलत है। देखिए, किसी इंडिविजुअल के द्वारा जो बात की जाती है उसके बारे में विभाग में ऑलरेडी पूरी प्रक्रिया तय है, उसके हिसाब से आगे की कार्रवाई, अगर कोई अपना कोड ऑफ कंडक्ट नहीं फॉलो करता तो उसके हिसाब से कार्रवाई होगी। सर, मंगेश यादव और उसके परिवार के लोगों का आरोप है और जिनको गिरफ्तार किया गया कि 4 दिन से पुलिस ने अरेस्ट कर रखा है, इनकी अरेस्टिंग कहां से हुई, कब हुई, और मंगेश यादव हमने आपको उनके परिवार जनों का स्टेटमेंट सुनाया, उनकी माता जी का भी स्टेटमेंट सुनाया, उनके बहन जी का भी मैंने स्टेटमेंट सुनाया, उनका आपराधिक इतिहास आपके पास है। अब इसमें कभी कभी ये भी हो सकता है कि पुलिस की कार्रवाई में किसी का कोई आपराधिक इतिहास न हो, ऐसी भी कार्रवाई होती है, मौके पे लोग आए, घटना हुई, पुलिस पहुंच गई, फायरिंग हो गई, ऑपरेशन में पुलिस वाले मर गए, अपराधी मर गए, इसमें कोई ये चीज़ तो होती नहीं है इस तरह से। भाई आपको आपको वीडियो में दिखा दिया गया, उसमें हमने पॉइंट करके भी बता दिया कि कौन आदमी कौन सा अपराधी है, इसके बाद से किसी तरह की कोई शक सुबह की गुंजाइश नहीं है। हम कोर्ट में इस चीजों को प्रूफ करेंगे। जब हम लोगों ने धर्मांतरण रैकेट का भी पर्दाफाश किया था इसी तरह की बातें उठाई गई थी, और जब NIA कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा कल सुनाई है तो सभी की जबान पे ताला लगा। ऐसे बहुत सारे चीज़ें हैं, मैं इस चीज़ों को कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करना चाहता। हाथरस केस में इसी तरह से किया गया, फैक्चुअल रिपोर्ट है कि रेप नहीं हुए फिर भी बताया गया, CBI कोर्ट ने एग्जोनरेट कर दिया, हमारा स्टैंड विंडिकेटेड है, पुलिस जो कह रही थी सही कह रही थी, हमारे किसी व्यक्ति से क्या रंजिश हो सकती है। इन चीजों के बारे में राजनीतिक व्यक्ति बताएंगे। जी वो सब बताया जा चुका है, आपको कल सभी चीज़ें दी जा चुकी हैं, और इसमें टोटल 17 व्यक्तियों के विरुद्ध हमारे ATS ने
नहीं, कोर्ट ने चार्जशीट दाखिल किया था। दो मोटरसाइकिल में शुरू कार में इस्तेमाल की गई है, उसमें नसीम नाम का एक व्यक्ति मोटरसाइकिल इस्तेमाल होने बात सामने आई। वो चोरी हुई थी 8 दिन पहले, उसकी रिपोर्ट भी दर्ज हुई है, वो घटना की तुरंत बाद दर्ज हुई थी। नहीं, वो तो जो मोटरसाइकिल चोरी का भी हम लोगों ने वीडियो जो हमने ऑपरेशन त्रिनेत्र चलाया हुआ है और जो टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन किया है उसका भी बहुत बड़ा फायदा हम लोगों को मिला है। किस तरह की जो घटनाएं होती है, अपराधी इतना साक्ष्य छोड़ जाते हैं जिससे पुलिस को बहुत सहायता मिलती है। सर, आखिरी सवाल एक बोल लीजिए, जांच अभी चली रही है जी, मॉर्निंग में सर हरदोई का भी एक मामला आया है, वहां बताया जा रहा है कि फॉल्ट केबल जो है वो ट्रैक पे लटका हुआ था, इसमें हरदोई में ट्रेन गुजर रही थी वहां से। उस संबंध में अंतर विभागीय बैठक सीनियर लेवल पे मेरे द्वारा स्वयं भी की गई है और सभी विभाग आपसी समन्वय से एक ऐसा SOP तैयार कर रहे हैं जिससे कि जो रेल यात्री है, ट्रेन है, ट्रैक है, ये सेफ्टी और सिक्योरिटी दोनों चीज़ों का पूरा ध्यान रखा जाए और इस पर ऐसे वल्नरेबल पॉइंट भी हम लोग आइडेंटिफाई कर रहे हैं जिससे कि आगे की घटना साजिश तो नहीं है या टेक्निकल पॉइंट नहीं। देखिए, बहुत सारी चीज़ें ऐसे शुरुआत में रखती है जैसे गोंडा की है, गोंडा का आप लोगों ने कवर किया कि इट वॉज अ टेक्निकल फॉल्ट, तो चीज़ें जब आएंगी अभी से पहले ही से कंक्लूजन पे जंप कर जाना उचित नहीं है। हम सभी पहलू को देख के आगे की कार्रवाई जी, उसमें हमारी विशेष टीमें लगातार कार्य कर रही हैं और जैसे ही चीज़ें क्लियर होगी हम आपके साथ शेयर करेंगे। नहीं, अभी अभी नहीं है, होगा तो बताएंगे, फिर बुलाएंगे, फिर आप लोगों को बुलाएंगे, आपसे वार्ता करेंगे। इस संबंध में मैंने आपको बताया कि किसी भी व्यक्ति के पकड़े जाने, कोई व्यक्ति पहली बार भी घटना करके पकड़ा जा सकता है, ये सब चीजें आप इतने खुद एक्सपीरियंस्ड हैं कि इन चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा है। क्या नहीं, वो देखिए, ऐसे प्रकरणों में जब तक सारी कार्रवाई पूर्ण नहीं हो जाती और जब तक सभी शंकाएं दूर नहीं हो जाती सभी संस्थाओं की, किसी तरह के नाम की घोषणा करना उचित नहीं है।